थाना किसनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने दबंगों पर जाति सूचक गालियां देने और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। थाने पर जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, यहां उसने न्याय की गुहार लगाई है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह महिला है जिसका नाम उमा देवी पत्नी रामानंद लाल निवासी ग्राम रामपीछा थाना कुर्रा है। पीड़ित महिला अनुसूचित जनजाति की महिला है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि वर्तमान में पीड़ित महिला थाना किसनी क्षेत्र के कुशमरा में किराए के मकान में निवास कर रही है। उसने शिकायती पत्र में बताया है कि 8 मई के दिन उसकी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, तभी मोहल्ले के चंदू पुत्र जहीर खान, आजाद खान, मिल खान, पुत्र चंदू खान ने उसकी पुत्री व उसे दरवाजे पर आकर जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। यहां मौजूद लोगों द्वारा उसे बचाया गया, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने थाने पर तहरीर दी, लेकिन थाने पर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे परेशान पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है और क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी है। कहां रहती हैं? शिकायत लेकर आए हैं सर, मेरे को बहुत मारा पीटा है, घर से निकालता पानी नहीं भरने देता एंड पर। कौन कौन लोग? मुसलमान है। क्या नाम? नाम मालूम आपको? चांदू। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग कुशमरे में रहते हैं। आपके मोहल्ले में? किस जगह रहते हैं? मेरे मोहल्ले में रहते हैं। किस जगह? कठेरिया मोहल्ले में। कटरा मोहल्ला। आपने थाने में किसनी शिकायत नहीं की? किसनी में शिकायत की, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर वहाँ पे मतलब मैं पैसा भर दिया कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कार्रवाई। अब क्या चाहती है कप्तान साहब से? हम तो कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं।